दोस्तों, गांजा या जिसे इंग्लिश में मैरुआना कहा जाता है, इसे लेकर देश और पूरी दुनिया में कई तरह के विवाद छिड़े हुए हैं। दुनिया भर में लोग इसे लीगल करने की डिमांड कर रहे हैं, और हमारे देश भारत में तो गांजा कोई आज की चीज नहीं है, बल्कि ये तो हमारी सदियों पुरानी प्रथा से चला आ रहा है। गांजा ईश्वर को भोग लगाने के काम आता है, साथ ही प्राचीन समय में भारत में इससे कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती थी। और आज के समय में गांजे का बिजनेस दुनिया भर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो गया है, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने गांजे पर बैन लगा रखा है, जिससे भारत को हर साल कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान झेलने को पड़ रहा है। तो क्या सरकार आने वाले समय में गांजे को लीगल करेगी, और अगर करेगी तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे? आज की इस वीडियो में हम गांजा या मैरिजुआना से रिलेटेड इन्हीं सब बातों के जवाब ढूंढने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गांजा लीगल होना चाहिए या नहीं, इस विवाद को समझने से पहले चलिए एक बार हम गांजे के पूरे इतिहास को जान लेते हैं। अब आपको ये बात तो बहुत अच्छे से पता होगी कि भारत में गांजा कोई नई चीज नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से ईश्वर के प्रसाद और दवाई बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, साल 1961 में यूनाइटेड नेशन में जब सबसे पहले गांजे को सिंथेटिक ड्रग्स की कैटेगरी में रखा गया और दुनिया भर में इसे बैन करने की बात कही थी, लेकिन उस समय भारत ने यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानी, क्योंकि गांजा ना सिर्फ दवाई और मनोरंजन से जुड़ा था, बल्कि इसका एक पक्ष हिंदू धर्म की आस्था से भी जुड़ा था। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हिंदू धर्म में गांजे का प्रसाद भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, लेकिन साल 1985 में यूनाइटेड नेशन के बहुत दबाव देने के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मजबूरन गांजे को बैन करना पड़ा। कई लोगों का मानना है कि गांजे को बैन कराना शराब और सिगरेट कंपनियों की एक चाल थी, क्योंकि अगर गांजा आसानी से बिकता तो लोग शराब और तंबाकू का सेवन कम कर देते, जिससे इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सेल्स पर बहुत बुरा असर पड़ता। और अब जब सिंथेटिक ड्रग्स की इतनी बात हो ही रही है, तो चलिए सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में भी जान लेते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि क्या गांजा सच में किसी प्रकार का सिंथेटिक ड्रग है। तो दोस्तों, सिंथेटिक ड्रग्स उन चीजों को कहा जाता है जिन्हें लैब में सिर्फ नशे के लिए बनाया जाता है, लेकिन गांजा किसी प्रकार का ड्रग नहीं है, बल्कि ये तो एक नेचुरल पौधा है जिसे बीज लगाकर नेचुरल तरीके से उगाया जाता है। और अगर गांजा एक सिंथेटिक ड्रग है, तो दुनिया में वो सभी चीजें जिन्हें बीजों के जरिए उगाया जाता है, उन सभी को सिंथेटिक कहा जाना चाहिए। दोस्तों, भारत में गांजा बैन होने के कुछ साल बाद ही अमेरिका ने भारत के साथ एक ऐसी चाल चली जिसे जानकर आप बहुत गुस्सा होने वाले हैं। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के कहने पर अमेरिका और भारत ने गांजे को बैन कर दिया, लेकिन अमेरिका ने कुछ अगले साल बाद ही अपने 27 राज्यों में गांजे को लीगल कर दिया, और आज के समय में अमेरिका के कई राज्यों में गांजे से महंगी महंगी दवाइयां बनाई जा रही हैं, जिनमें से कुछ तो कैंसर जैसी बीमारियों में भी इस्तेमाल की जाती है। और आज हमारा भारत देश अमेरिका की इन्हीं गांजे से बनी महंगी महंगी दवाइयों को खरीदने के लिए मजबूर है। भारत की तरह अमेरिका में गांजा चुपचाप से नहीं, बल्कि वहां तो इसे खुलेआम स्टोर्स में बेचा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोरोना महामारी फैली थी, तब कोरोना के इंजेक्शन लगवाने के लिए अमेरिका ने अपने नागरिकों को वैक्सीन लगवाने पर मुफ्त गांजा भी दिया था। और आज के समय में अमेरिका हर साल गांजे से अरबों रुपयों की कमाई करता है। अमेरिका की 36 राज्यों से गांजे की दवाइयां बनाई जाती है, और वहीं 17 राज्यों में इसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट गांजे का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। कैलिफोर्निया को 1996 में गांजे से दवाई बनाने के लिए और 2016 में इसे मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करने के लिए सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली, यानी अगर आप 21 साल से ऊपर के हैं तो आप लीगल तरीके से गांजा पी सकते हैं। हालांकि पब्लिक प्लेस पर गांजे का सेवन करना मना है। कैलिफोर्निया में गांजा उगाने और बेचने के लिए सरकार की परमिट की जरूरत होती है, जो मिलना आसान नहीं होता। और अगर कैलिफोर्निया का कोई शहर गांजे के खुलेआम बिक्री पर आपत्ति जताता है, तो उस जगह पर गांजे की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है, जिसके बाद गांजे को कुछ लोग इल्लीगल तरीके से भी बेचते हैं। आपको बता दें कि लीगल और इल्लीगल गांजे में बहुत अंतर होता है। जैसे कि अगर आप किसी लीगल दुकान से गांजा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि उस गांजे को उगाने में भी नेचुरल प्रोसेस को फॉलो किया गया है, जिससे इसके पौधे में किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड और अन्य टॉक्सिक एलिमेंट मिलने की कम संभावना होगी। वहीं इल्लीगल गांजा में मिलावट होने का भी खतरा हो सकता है।
दोस्तों ये तो हुआ गांजे का इतिहास। अब जानते हैं कि क्या गांजे को भारत में लीगल होना चाहिए या नहीं। दोस्तों गांजे को लीगल करने की डिमांड दवाइयों और मनोरंजन से जुड़ी है। साथ ही इससे जुड़ी सबसे बड़ी डिमांड ये है कि गांजे की बिक्री से सरकार को कई अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है, जो कि बिक्री ना होने के कारण अब तक नहीं हो रही है। 2021 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में गांजे का टोटल मार्केट वैल्यू $10 बिलियन से है, जो 2030 तक बढ़कर $66 बिलियन तक होने वाली है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गांजा भारत में उगाया नहीं जाता। भारत में गांजा सिर्फ दवाइयों के लिए उगाया जाता है और उनमें भी ज्यादातर अमेरिका, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन जनता की मांग है कि अमेरिका की तरह भारत में भी गांजे को मनोरंजन के लिए लीगल किया जाए, ताकि लोग इसका आसानी से सेवन कर पाए। साल 2018 में कनाडा देश ने गांजे को लीगल मान्यता दी, जिसके बाद कनाडा का गांजा बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन साथ ही साथ इसके कई दुष्परिणाम भी निकले। इस बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत ब्लैक मार्केट की है। जिस तरह से शराब लीगल होने के बाद भी कुछ लोग ब्लैक तरीके से सस्ती शराब बेचते हैं, उसी तरह से गांजे में भी कुछ सस्ते प्रोडक्ट्स को स्मगल किया जाने लगता है, जिससे सरकार को बहुत तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 2020 में यूनाइटेड नेशन कमीशन और नार्कोटिक्स ड्रग्स ने गांजे को अत्यधिक लत और नशे वाली सूची से निकाल दिया। लेकिन साथ ही इसके नॉन मेडिकल और नॉन साइंटिफिक यूज को यूनाइटेड नेशन ने अभी भी इलीगल कैटेगरी में रखा है। और इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य देश अपने देश में गांजे को लीगल मान्यता नहीं दे सकते हैं। और जिन देशों ने इसे लीगल मान्यता दी है, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन देशों की मान्यता भी अब रद्द की जा सकती है। शराब और तंबाकू बनाने वाली कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी अब इस बिजनेस में आना चाहती है, जिसके लिए उन्हें भी गांजे को लीगल करने के इस संघर्ष में खड़ा होना पड़ेगा। साथ ही उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए गांजे की सभी नियम और कानूनों को बहुत बारीकी से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि गांजे को लीगल करने पर सबसे बड़ा खतरा इसकी ब्लैक मार्केट को होता है। ऐसे में सरकार को कुछ कड़े कानून तो लाने ही होंगे, जैसा कि हाल ही में कनाडा देश ने किया। कनाडा देश ने अपने यहाँ गांजे को लीगल करने के साथ साथ वहाँ गांजे के कई अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स निकाले, जो अच्छा होने के साथ साथ बहुत सस्ते भी है, जिससे जनता लीगल तरह के गांजे के प्रोडक्ट के प्रति ज्यादा आकर्षित है और लोगों ने अब इलीगल गांजा लेना ही बंद कर दिया। भारत में कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि जिस तरह से शराब का सेवन लीगल होने के बाद भी समाज के लिए एक बुरी चीज है, उसी तरह गांजे का सेवन हमारे देश के यूथ को खराब करने में बहुत सक्षम है, क्योंकि गांजे का सेवन करने वाला इंसान बहुत ही सुस्त और दिमाग से कमजोर हो जाता है, और ये हमारे युवाओं के लिए बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकती है। वहीं बात करें दुनिया के दूसरे देशों की, तो अमेरिका और कनाडा में तो गांजा लीगल है। साथ ही इजराइल और अन्य देश भी इसे लीगल करने के लिए नए नए प्रकार के प्लान्स बना रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गांजा लीगल होना चाहिए? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कॉन्टेंट आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।